सरायकेला जिले के कांडरा चौक में काफी दुर्घटनाएं हो रही थी। इसके लिए पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार राजू, झारखंड सरकार और सांसद गीता कोड़ा व स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने 108 निशुल्क एम्बुलेंस का मांग किया था, जिससे कांडरा को भी आज से एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हुई है। यह एम्बुलेंस कांडरा में रखी गई है। इसके बारे में बताया गया कि एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त करने के लिए 108 नंबर पर डायल करना होगा और यह सुविधा पूर्ण रूप से निशुल्क होगी। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसमें कई लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब यह सुविधा कांडरा में उपलब्ध होने के कारण घायलों को वक्त पर इलाज मिल पाएगा, जिस अनेकों लोगों की जान बच सकेगी। एम्बुलेंस की सुविधा मिलने से ग्रामीण जनप्रतिनिधि सहित सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इस बीच प्रकाश कुमार राजू ने कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा बहाल होने से कांडरा पंचायत ही नहीं बल्कि कई गांव के लोग इस एम्बुलेंस की सुविधा ले पाएंगे। इस बीच प्रकाश कुमार राजू ने सबको एक संदेश दिया कि आप लोग बाइक और कार चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, ताकि दुर्घटना से बचे। न्यूज़लेंस के लिए सरायकेला के कांडरा से गुड्डू कुमार की रिपोर्ट। देश की राजधानी और झारखंड की राजधानी के बाद CYS अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ के स्टूडेंट्स को भी अब मिल पाएगा देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के फैकल्टी से शिक्षा। यहाँ के छात्र छात्राएं अब IPS IAS बनने के सपने को कर पाएंगे साकार। हमारे फैकल्टी कुमार सर, जिनकी खुद की कोचिंग कुमार IAS दिल्ली, आगरा, मथुरा, झांसी में है, वो अब CYS के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देंगे। बाजीराम एंड रवि के बेस्ट फैकल्टी अवध ओझा सर भी करेंगे अब CYS के स्टूडेंट्स को ट्रेन। कुमार IAS, बाजीराम एंड रवि, श्रीराम IAS, चाणक्य IAS, पतंजलि IAS, आस्था IAS, वर्तकूर IAS, एम्पायर IAS, द सिविल के बेस्ट फैकल्टी को ज्वाइन करने के लिए आज ही ज्वाइन करें CYS। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है